हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट करने वाले हैं सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक के डिवोर्स को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सानिया मिर्जा जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर हैं एंड शोएब मलिक जो कि इनके हस्बैंड हैं वो हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर। 2010 में सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक की शादी हुई थी एंड 2018 में इनके बेटे एजान का जन्म हुआ। इनके फैंस इस न्यूज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने वाले हैं। तो गाइस, खबरों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि सानिया मिर्जा एंड उनके हस्बैंड शोएब मलिक जो कि अब डिवोर्स लेने वाले हैं। 2010 में इनकी शादी हुई थी एंड लगभग शादी के 12 साल के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये दोनों अब अलग होने वाले हैं। इवन के खबरों में ऐसा भी बताया जा रहा है कि सानिया एंड शोएब जो कि अभी फ़िलहाल अलग घर में रह रहे हैं। आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर किस तरीके से पता चला कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है या इन दोनों के बीच में सेपरेशन होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ दिनों से सानिया एंड शोएब जो कि लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दे रहे हैं जिससे ये पता चले कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इनका सेपरेशन होने वाला है। तो अभी से लगभग 10 दिन पहले सानिया मिर्जा ने अपने बेटे के साथ एजान के साथ एक पोस्ट शेयर किया एंड उस कैप्शन में लिखा, सानिया ने लिखा, द मोमेंट्स दैट गेट मी थ्रू द हार्डेस्ट डेज। उसके बाद अपने बेटे एजान को मेंशन किया। तो इस कैप्शन को रीड करने के बाद ऐसा पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। एंड अभी से कुछ दिन पहले एजान इनके बेटे का बर्थडे था जिसमें ऐसे बताया गया कि ये दोनों अलग रहते हैं लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए साथ में आए थे। सानिया मिर्जा ने कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं की अपने बेटे के बर्थडे की, जबकि शोएब मलिक ने काफ़ी सारी पिक्चर्स पोस्ट की एंड शोएब ने उन पिक्चर्स के कैप्शन में कुछ इस तरीके का लिखा जिससे ये पता चला कि वाकई में इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड ये बहुत ही जल्द सेपरेट होने वाले हैं। शोएब ने कैप्शन में लिखा, वेन यू वर बॉर्न वी बिकेम मोर हम्बल एंड लाइफ मीन समथिंग स्पेशल टू अस, वी मे नॉट टुगेदर एंड मीटिंग एवरी डे बट बाबा इज थिंकिंग अबाउट यू एंड योर स्माइल एवरी सिंगल सेकेंड, मे अल्लाह गिव यू एवरी थिंग योर आस्क फॉर इजान, बाबा एंड मम्मा लव्स यू। इस कैप्शन को पढ़ने के बाद पता चला कि वाकई में इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस खबर को आउट किया गया कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन होने वाला है। लेकिन इस खबर को र्यूमर का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन दोनों की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, जबकि इनके जो पोस्ट और उनके कैप्शंस जो हैं उनसे ये साफ पता चल रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन इन दोनों ने ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। तो गाइस, हम तो यही चाहेंगे कि इनका सेपरेशन कुछ भी कभी भी ना हो क्योंकि ये दोनों बहुत ही प्यारे कपल हैं। उसके अलावा इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद इंस्टाग्राम हैंडल पर अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें एंड या फिर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।